हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत सम्राट और राजमुकुट की चर्चा करें। दोस्तों, सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का प्रतीक होता है, जिसे सम्राट अपने मस्तक पर धारण करता है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री और कैबिनेट वास्तविक प्रधान। अब अपन चर्चा करेंगे राजमुकुट क्या है। मित्रों, अगर अपन शाब्दिक अर्थ में देखें तो राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करते समय अपने सिर पर धारण करता है। वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। प्रोफेसर ओग ने राजमुकुट की व्याख्या करते हुए कहा है कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सहमिश्रण। यह वह संस्था है जिसमें राजा की समस्त शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं सम्राट और राजमुकुट में भेदों की। सम्राट और राजमुकुट में कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं, जिसमें पहला है सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था। मित्रों, सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है, जबकि राजमुकुट राजसत्ता का प्रतीक होता है। राजमुकुट एक संस्था है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरा अंतर है सम्राट अस्थाई होता है, जबकि राजमुकुट स्थाई होता है। मित्रों, सम्राट एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति होने के नाते वह जन्म लेता है और मरता है। वह स्वयं भी सिंहासन का त्याग कर सकता है। इसके विपरीत राजमुकुट जो है वो एक संस्था है जो न कभी जन्म ग्रहण करती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परंतु सम्राट का पद, जिसे राजमुकुट कहा जाता है, अमर है। इस अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए इंग्लैंड में यह कथन प्रसिद्ध है कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीवी हो। तीसरा जो अंतर है वो है सम्राट व्यक्तिक है, जबकि राजमुकुट सामूहिक। दोस्तों, सम्राट का रूप व्यक्तिक है, जबकि राजमुकुट का रूप सामूहिक। राजमुकुट की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। अतः राजमुकुट का रूप क्या है? सामूहिक है, तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले समूह में संसद, मंत्रिमंडल व लोकसेवा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। चौथा जो भेद है वो भेद है वास्तविक प्रशासन में। सम्राट जो है वो शक्तिहीन है, जबकि राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। दोस्तों, प्राचीन काल में सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली था, किंतु
प्रजातंत्र की दिशा में संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियों में कमी आती गई और सम्राट के हाथ में शासन की शक्ति निकलकर मंत्रिमंडल तथा संसद की को प्राप्त होती रही। वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट के अलावा मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित हैं। अतः व्यक्ति के रूप में सम्राट के हाथ में शक्तियाँ निकलकर राजमुकुट को प्राप्त होती रही हैं और राजमुकुट वर्तमान में सर्वशक्तिशाली है। ब्रिटेन में कहावत प्रचलित है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती हैं। तो ये अपन ने भेद पढ़े हैं सम्राट और राजमुकुट में। आगे अपन चर्चा करते हैं राजमुकुट की शक्तियाँ अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियाँ। इन शक्तियों में सबसे पहले अपन लेंगे कार्यपालिका शक्तियाँ। मित्रों, कार्यपालिका के संबंध में जो शक्तियाँ हैं उसमें पहली शक्ति है कि राजमुकुट का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है। दूसरी शक्ति है कि राजमुकुट जो है वो प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरी शक्ति है कि राजमुकुट जो है वो राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। चौथी शक्ति है कि युद्ध की घोषणा तथा संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। पाँचवीं शक्ति है कि मंत्रीगण जो हैं वो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। तो ये राजमुकुट अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। दूसरी हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, तो इस प्रकार से हैं। पहली शक्ति है कि राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। लोकसभा तो एक स्थायी सदन है लेकिन राजमुकुट जो है वो लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। दूसरी शक्ति है संसद के आरंभ में सम्राट भाषण देता है जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। वास्तविकता यह है कि सम्राट का भाषण उनके मंत्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है और राजा उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तीसरा है कि कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। चौथा है राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। तो ये राजमुकुट की या सिद्धांत के रूप में सम्राट की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ हैं। तीसरी शक्ति की चर्चा अपन करेंगे न्याय संबंधी शक्ति। दोस्तों, सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है और न्यायिक क्षेत्र में भी उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें पद से हटा सकता है। वह अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान भी कर सकता है। अगली शक्ति है सम्मान का स्रोत। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि राजमुकुट अथवा सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करता है, जैसे ड्यूक, अर्ल, नाइट तथा लॉर्ड की उपाधियां। तो ये अपन ने पढ़ी राजमुकुट की शक्तियाँ अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियाँ। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।